नवाब अली वसान की खास हिदायत पर हजारों जियालों ने वसान हाउस खैरपुर से प्रेस क्लब खैरपुर तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद अहमद शाह की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। रैली से नवाब अली वसान ने टेलीफोन पर खिताब करते हुए साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह को सियासी कैदी करार देते हुए कहा कि अगर खुर्शीद शाह का ताल्लुक पंजाब से होता तो उनको अब तक रिहाई मिल चुकी होती। नैप और एफआईए 2 साल गुजरने के बावजूद कुछ भी साबित नहीं कर पाए, सिर्फ पीपल्स पार्टी वालों को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। वफाकी हुकूमत का काम सिर्फ अपोजिशन को निशाना बनाओ, वक्त गुजारों की पॉलिसी पर अमल पैरा है। सिंध की आवाम को सिर्फ पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करने की सजा दी जा रही है। इमरान सरकार ने सिंध के पानी पर डाका डाला, आवाम को रोजगार देने के बजाय लाखों नौजवान को बेरोजगार किया। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम के हकूक की बात की और आवाम को रोजगार देना गुनाह है, तो हम ये गुनाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरों और जियालों पर आमिर डिक्टेटरों ने मुल्क कौम की खिदमत करने पर हमेशा तकलीफें दी हैं।